महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा था कि 370 कलम हटने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसी के मुताबिक 28 तारीख को एमटीडीसी के बोर्ड में, डायरेक्टर बोर्ड के मीटिंग में, 1-1 करोड़ रुपए ये आरक्षित किए गए। इसमें 1 करोड़ के माध्यम से हम लोग श्रीनगर के करीब हम लोग वहाँ रिसोर्ट खोलने का सोच रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में लेह के पास हम लोग एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट करने का सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत लोग माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड रहते, वहाँ जाने के लिए हम लोग का प्लान है। और दूसरा, एयरपोर्ट से जब जाते तो कोई अच्छा जगह के लिए हम लोग ने 1-1 करोड़ रुपए आरक्षित किए। पहला हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग वहाँ के गवर्नर जी को और वहाँ के टूरिज़्म बोर्ड को हम लोग पत्र लिखेंगे, सरकारी जगह हो वो लेने के लिए हम लोग तैयार है। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म बोर्ड के पास कोई जगह है उसके लिए भी हमारी तैयारी, और वो नहीं मिली और अच्छी जगह अगर प्राइवेट में मिली तो उसको लेने के लिए भी तैयारी हमारी है। और मेरे ख्याल से देश में महाराष्ट्र टूरिज़्म बोर्ड ये पहला बोर्ड है जिसने ये पहल की है। अभी हम लोग के आने वाले 15-20 दिन में हम लोग की एक टीम वहाँ जाएंगी, कुछ कंसल्टेंट भी हम लोग लेंगे कि वहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और जहाँ के लोगों की सुविधा भी हो पाएंगी। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको भी उसकी सुविधा हो सकेगी। तो कुछ पहलगाम रोड ऐसी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जो उचित जगह है उसके लिए हमारी एक टीम आने वाले 10-15 दिन में वहाँ जाएंगी, उसका मुआयना करेंगी, और जो जगह निश्चित हुई वहाँ के लोकल कंसल्टेंट के माध्यम से वो जगह हम लोग निश्चित करके, हमारे पास पैसे रेडी है, हम लोग लेने के लिए तैयार।